Hello dear students, welcome to the third lesson of class 6, naming praying mantis. Question is, what is a mantis? Mantis is a winged insect which preys garter snakes, bumblebees, etc. And when you have a glance upon the appearance of the mantis, it seems to be praying. When you pray, you join with both your hands. So it seems to be praying. That's why the poetess has named this poem the Praying Mantis. It has been written by Mary M. Hoberman. Let's talk about the poetess. Mary M. Hoberman was born in 1930 in Stamford, Connecticut, USA. In high school, she wrote for the school newspaper and was a yearbook editor. Mary Ann Haberman का जन्म 1930 ईस्वी में स्टैनफोर्ड के कनेक्टिकस यूएसए में हुआ था. हाई स्कूल से ही उन्होंने अपने स्कूल के न्यूज़पेपर के लिए लिखना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ उसी दौरान यानी हाई स्कूल पढ़ने के क्रम में ही वो ईयरबुक जो स्कूल के द्वारा प्रोड्यूस होते थे वो एक ईयर बुक था उसकी वो एडिटर भी थी. मैरी एन हॉबरमैन द फॉर्मर चिल्ड्रंस पोएट लॉरिएट इज क्रिटिकली एक्लेम्ड ऑथर ऑफ 40 बुक्स फॉर चिल्ड्रेन. 2008 से 2011 के बीच में मैरी एन हॉबरमैन वो को फाउंडर रहे पॉकेट पीपल जो कि चिल्ड्रन थिएटर ग्रुप था और मुख्यतया इन्हें अपने 40 किताबों के लिए जो कि बच्चों के लिए लिखी गई थी उसके लिए जाना जाता है, इंक्लूडिंग द बिलव जिसमें कि सबसे ज़्यादा पसंद किया गया अ हाउस इज अ हाउस फॉर मी, ये किताब है जिसे कि नेशनल बुक अवार्ड यूएसए का नेशनल बुक अवार्ड भी दिया गया था. हर हंड्रेड्स ऑफ पोएम्स आर कलेक्टेड, उनकी सैकड़ों कविताएं और लामा हु हैड नॉट पैजामा, लामा हु हैड नॉट पैजामा जो उनके द्वारा लिखी गई एक कविताओं का संग्रह है उसमें सैकड़ों कविताएं संग्रहित करके जमा करके लिखी गई हैं. अदर पॉपुलर क्रिएशंस आर द सेवन सिली ईटर्स, रीड टू मी, Read to me and I shall read to you. In 2003, she also received award for excellent poetry for children by National Council of Teacher of English USA. 2003 ईस्वी में इन्हें बच्चों की कविताओं के लिए एक्सीलेंट अवार्ड के पुरस्कार से इन्हें दिया गया जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर ऑफ इंग्लिश यूएसए के द्वारा प्रदान किया गया था. सो दिस वॉज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट बायोग्राफी फॉर द पोएट्रेस मैरी एन हॉबरमैन. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द लेसन. फर्स्ट ऑफ ऑल, लुक एट द पिक्चर ऑफ द मेंटिस. You may see the joining hands of mantis here. Now let's come to the poem. That praying mantis is over there is really not engaged in prayer. There or prayer, ये rhyming scheme है, तो ये A हुआ
उसके बाद यदि आप ध्यान दें सी और ई, ये हुआ बी। उसके बाद स्नेक और बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया, यानी ए बी देयर प्रेयर सी ई, ए ए बी बी, उसके बाद फिर सी बी, ये राइमिंग पोएम अभी चल रहा है। ए ए बी बी सी बी, लेट मी वंस अगेन राइट दिस, ए ए बी बी एंड सी बी, दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। That praying mantis is over there is really not engaged in prayer. ये जो praying mantis आप देख रहे हैं इस picture में, वो प्रार्थना करता हुआ दिखाई दे रहा है, but it not engaged in prayer. लेकिन actually में यह प्रार्थना नहीं कर रहा है। तो फिर क्या कर रहा है? That praying mantis that you see is really praying with an E. प्रे, तो ये कर क्या रहा है, ये प्रेइंग मेंटिस कर क्या रहा है? तो ये पी आर ए वाई प्रे, प्रे मतलब प्रार्थना, ये प्रे नहीं करके पी आर ई वाई प्रार्थना कर रहा है। यहां पर ए है और यहां पर ई है। प्रे का मतलब होता है शिकार करना और प्रे का अर्थ होता है पी आर ए वाई, प्रे का अर्थ होता है प्रार्थना करना। So the praying mantis that you see folding his hand seems to be praying to God, but actually it is not praying. What it is doing? It is engaged in its prey. यह अपने शिकार को करने में व्यस्त है प्रार्थना करने के बजाय। It preys upon the garter snake. It preys upon the bumblebee. Bumblebee क्या होता है? भौंरा उसको बोलते हैं, bumblebee मतलब भौंरा। और ये गार्टर स्नेक का शिकार करता है। ये देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, हमारे यहाँ इसे हरहरा सांप कहा जाता है क्योंकि ये हरे रंग का होता है, हरे और पीले रंग का ये मिक्स्ड होता है। अमेरिका में भी ये प्रजाति पाई जाती है और इसे गार्टर स्नेक कहते हैं। गार्टर स्नेक, जी ए आर टी ई आर, गार्टर एस एन ए के ई स्नेक। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं? हमारे यहाँ हर हरा सांप कहते हैं। हर हरा हरे रंग का होता है, पीला आप लिए हुए उस भी। तो इट प्रेज अपॉन द गार्टर स्नेक, और यह किसका शिकार करता है? तो गार्टर स्नेक का शिकार करता है। और किसका शिकार करता है? इट प्रेज अपॉन द बम्बल बी, बम्बल बी मतलब भौंरा, यह भौंरे का शिकार करता है। इट प्रेज अपॉन द कैबेज वर्म, यह बंद गोभी में छिपे हुए जो वर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, उनका शिकार करता है। द वास्प, वास्प का अर्थ होता है ततैया, हड्डा, बड़ा ही पेनफुल होता है उसका स्टिंग, तो वो उसका भी शिकार करता है। द फ्लाई, मक्खियों का शिकार करता है। द मॉथ, मौत रात में, रात के अंधेरे में आपने प्रकाश के पास उस कीट पतंगों को उड़ते हुए देखा होगा, उन्हीं पतंगों को मौत कहते हैं, तो ये मौत का भी शिकार करता है। उसके बाद ये फ्ली का भी शिकार करता है, यानी सबको मार करके ये खाया जाता है। एंड समटाइम्स, और इतना ही नहीं, कभी कभी इफ इट्स नीड इज ग्रेट, यदि इसकी भूख काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इट इवन प्रेज अपॉन इट्स मेट, मेट का अर्थ होता है कंपेनियन, साथी, तो यह अपने साथी का भी शिकार कर लेता है। कौन? प्रेइंग मेंटिस। आप जैसा कि इस तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक मेंटिस दूसरे मेंटिस का शिकार कर रहा है, यानी ये अपने मेट को भी मार करके खा जाता है यदि इसकी भूख काफी ज्यादा होती है तो।
वी प्रे एंड प्रेइंग बोथ सो एंडलेस, शिकार और शिकारी ये दोनों ही एंडलेस हैं, अनंत हैं। यानी जो मेंटिस है वो भी बहुत सारे हैं, शिकार जो है वो भी बहुत सारे हैं, और जो शिकारी हैं वो भी बहुत सारे हैं। इट टेंड्स टू एंड अप रादर फ्रेंडलेस, या बिना किसी को दोस्त बनाए ही सबको खा जाना चाहता है, फ्रेंडलेस, और यह फ्रेंडलेस रहना चाहता है, इसका कोई मित्र नहीं बनना चाहता। एंड सेल्डम इज कमेंडेड मच, और कभी कभी इसकी प्रशंसा भी की जाती है, किसके द्वारा, एक्सेप्ट बाय गार्डनर्स एंड सच, जो माली होते हैं जो कि पौधे को लगाते हैं वो इसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि यह पत्तों में लगने वाले कीड़ों को, कैबेज में लगने वाले कीड़ों को मार करके ये खा जाता है और इस प्रकार से फसलों की रक्षा करता है। सो दिस वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम द प्रेइंग मेंटिस। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द मोरल ऑफ दिस पोएम। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस पोएम? द मोरल इज वेरी सिंपल, योर लुक डजंट मैटर, व्हाट आर यू फ्रॉम आउटसाइड इट डजंट मैटर। यानी आप बाहर से जो दिखाई देते हैं उसका मतलब नहीं है। योर डीड्स स्पीक्स अबाउट यू, आप जो काम करते हैं यानी आपके द्वारा किया गया काम ही आपके बारे में आपका वर्णन करता है कि हाउ ब्यूटिफुली और हाउ ब्यूटिफुल, हाउ हैंडसम, हाउ स्मार्ट पीपल यू आर। आप बाहर से देखने में स्मार्ट हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, वो स्मार्टनेस आपके काम में दिखाई देनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मोरल ऑफ द पोएम। स्टूडेंट्स, आई डू होप दिस इज गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद सम ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड द एक्सरसाइजेस। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।